अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ओए हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। क्या सुल्तान 2 होगी एक हिस्टोरिकल फिल्म? सलमान के खुद के लिए कैसे है सुल्तान 2 चैलेंजिंग? सोनाक्षी सिन्हा कैसे कर रही है अपने आप को सुल्तान 2 के लिए तैयार? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट रंजनी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ये नाम तो हमने बहुत बार सुना है और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि सुल्तान भी कबड्डी पर ही बेस्ड है। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये दोनों खेल एकदम अलग है और फर्क है सिर्फ एक छोटे से वर्ड का, जो की है डिफेंसिव होना। किसी खेल में आप डिफेंसिव खेलते हैं और किसी खेल में आप लड़ते हैं, बस इसी का है खेल सारा। जहाँ तक 2016 से पहले तक लोग रेसलिंग से वाकिफ नहीं थे, वही खान बॉलीवुड के बैक टू बैक सेम जॉनर पर रिलीज करती गई। एक तरफ जहाँ सुल्तान 2 की आने की खबर चर्चा में है, तो वही दूसरी तरफ मोस्ट राइवल फिल्म दंगल का सीक्वल के भी जल्द रिलीज होने का घोषणा मेकर्स कर चुके हैं। एक बार फिर मुकाबला टक्कर का होगा, जहाँ जंग मैदान पे नहीं बल्कि सिनेमा घरों में होगी और जीत किसकी होगी इसका फैसला व्यूअर्स करेंगे। सुल्तान 2 इस बार किसी हिस्टोरिकल इवेंट को खुद से जोड़ती नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ दंगल, जो कि एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, वह सोनाली फोगट के हार्डवर्क और बायोग्राफिक जॉनर पर बेस्ड होगी। जितना खूबसूरत हमें कास्ट को ऑन स्क्रीन देखने में लगता है, उससे कई गुना मेहनत उन्हें अपनी अपीयरेंस को बिल्ड करने में जाती है और इसी के गवाह बने हैं सलमान खान, जो कि मोस्ट फिट और हार्ड वर्किंग टैलेंट के नाम से जाने जाते हैं। उनको देने पड़ रहे हैं अपनी जिम पर 4-5 घंटे। कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक भी इनको बढ़ाकर अपने यूजुअल इंटेक से ज्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है, जिसके पीछे कारण है फिल्म में इनका किरदार, जिसको एकदम रियलिस्टिक लुक देने के लिए सलमान ने कर डाला है खुद को ही चैलेंज। साथ ही सोनाक्षी सिन्हा, जो कि इस बार फिल्म में एक प्रोमिनेंट किरदार की भूमिका में 4 चांद लगाते हुए नजर आने वाली है, वो भी कर रही है अपने वर्कआउट से अपना फिजिक को इम्प्रूव, जिससे उनका किरदार और ज्यादा अलाइव और रिलेटेबल दर्शकों को द्वारा दिखाया जाएगा। मेकर्स फिल्म की लोकेशन को जल्द ही फाइनलाइज करते हुए अपने इस अखाड़े को और ज्यादा एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे। न्यू ईयर बिगिनिंग के साथ फिल्म को प्रोडक्शन स्टेज में डालने की पूरी तैयारी की जा रही है। साल 2022 में फिल्म के प्रोडक्शन स्टेज को ही डिवोटेड समझो, लेकिन 2023 में लोगों के सब्र को और ज्यादा कंट्रोल कर पाना मेकर्स के बस की बात नहीं रहेगी। ना जाने फिल्म को लेकर दर्शकों का पागलपन किस सीमा को पार करते हुए नजर आए। तो चलिए, सुल्तान 2 से जुड़े हर एक अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड स्टूडियोज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।